नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर के राजौरी ज़िले में एक जगह है नौशेरा। जी हाँ, वही नौशेरा जहाँ के शेर के रूप में ब्रिगेडियर उस्मान जाने जाते हैं, जिन्होंने 1948 की लड़ाई में वो अदम्य साहस दिखाया था कि उनके नाम से ही वहाँ पे जाना जाने लगा। और उसी नौशेरा से एक ऐसी मार्मिक कहानी या वाकया आ रहा है जिसे सुन करके आदमी सोचने को मजबूर हो जाएगा कि एक एक पैसा आदमी जुटाता है लेकिन लास्ट में यही पता नहीं होता है कि उसको भोग भी पाएगा या नहीं। ये कहानी है एक बुजुर्ग महिला की जो भीख मांगने का काम करती थी। धीरे धीरे उन्होंने अपनी झोपड़ी में काफ़ी पैसे इकट्ठे कर लिए, बोरे में रखे, बॉक्स में रखे, छिपा करके रखा और इस तरीके से काफ़ी आप देखेंगे तस्वीरों में कि नोट और पैसे उनके पास हो गए। कोविड-19 का जब दौर शुरू हुआ, लॉकडाउन हुआ, परिस्थितियां विपरीत हुई तो जिला प्रशासन ये पता करने लगा कि कौन कौन से ओल्ड एज वाले लोग हैं जिनको मदद की ज़रूरत है, महिला पुरुष को ओल्ड एज होम पहुँचाया जाए। इसी क्रम में उस बुढ़िया का भी नंबर आया। उस बूढ़ी माँ को लेकर के ओल्ड एज होम पहुँचा दिया गया लेकिन तब उन्होंने कुछ नहीं बताया कि उनकी झोपड़ी में क्या है। फिर नगर पालिका की जब टीम झोपड़ी पर पहुंची कि अब इसको हटा दिया जाए, वो तो ओल्ड एज होम चली गई तो देखा कि बॉक्स और बोरे गट्ठर रूप में वहाँ पे पड़े हुए हैं। कुछ पैसे दिखाई दिए तो उनको डाउट हुआ कि इसको देखा जाए खोल के। जब खोल के देखा जाने लगा तो दिखा कि सिर्फ पैसे और रुपये हैं, 10-10 के ज़्यादा उसमें नोट्स दिख रहे हैं। फिर उसकी काउंटिंग की गई, अकाउंटिंग करने में कई घंटे लगे, कई कर्मचारी लगाए गए क्योंकि चिल्लर भी मिले हुए थे और नोट्स भी थे तो कई घंटे लगे। उसके बाद पता चला कि वो 2,60,000 रुपये हैं। फिर उस पैसे को हिफाजत से रख लिया गया कि जब ओल्ड एज होम में उनसे पूछा जाएगा कि उसके पैसे का क्या करना है, वो जो जवाब देंगी उसके मुताबिक इस पैसे का यूज किया जाएगा। बहरहाल वो ओल्ड एज होम पहुँच गई हैं, वहाँ पे उनकी सेवा हो रही है और इस तरीके से वो लाखों की मालकिन है। पता नहीं उन्हें ये भी बात पता होगी या नहीं होगी कि उनके पास कितने पैसे हैं। तो आप रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर।